हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जिल अकेडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड आल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक माय सेल्फ सौरभ अबोटी लास्ट क्लास में हमने पालमपुर के बारे में टॉपिक को स्टार्ट किया था क्लास नाइन्थ का पालमपुर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में वो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज की है इसका मतलब एक काल्पनिक गांव की स्टोरी है हमने उसमें ये पढ़ा था कि पालमपुर में जो है वो कौन कौन से गांव पास में है कौन से टाउन पास में है तो शाहपुरा और रायगंज के बारे में हमने देखा था इसके अलावा हमने कितनी फैमिलीज़ वहाँ पर रहती है अपर कास्ट लोअर कास्ट ये भी हमने उसमें पढ़ा था इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक किया था प्रोडक्शन के बारे में अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रोडक्शन से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिलेट करती है तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट अगर प्रोडक्शन की बात करें हम तो प्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो काउंट होती है बहुत सारे स्टेप काउंट होते हैं उसके बाद में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है ठीक है प्रोडक्शन मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आप जो घर लेके जाते हैं ठीक है या हम कुछ भी चीज़ जो बाजार से खरीद के लेके आते हैं वो एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होती उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बहुत सारे उसके अंदर पार्ट्स होते हैं जो उसको फॉलोअप करके ही लास्ट में एक प्रोडक्ट बनता है तो उसके बारे में देखिए कौन कौन से हैं ज़रूरी पार्ट द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज देखिए गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम केवल गुड्स की बात नहीं करते हम सर्विस की भी बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप बार्बर की शॉप में गए ठीक है तो वो भी वहां पर भी वो प्रोडक्शन का हिस्सा है वहाँ पर आपको गुड्स आप लेने नहीं गए हो आप वहां पर क्या लेने गए हो सर्विस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तब आप क्या लेने जाते हो आप डॉक्टर की सर्विस लेने जाते हो उसके बदले में तो वो फीस लेता है आप ग्रोसरी शॉप जाते हो तो आप कोई गुड्स लेने जाते हो तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन का जो एम है वो क्या है मेन एम है कि जो गुड्स और सर्विस मिल सके जैसे ही हमें गुड्स और सर्विस चाहिए वैसे ही हमें गुड्स और सर्विस मिल सके तो देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो वो क्या रिक्वायरमेंट है लैंड लैंड इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन क्यों देखिए कोई भी प्रोडक्शन होगा आप कोई भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं आप कोई भी शॉप खोलना चाहते हैं वो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिएगा लैंड चाहिएगा उसी लैंड पे तो हम अपनी फैक्ट्री बनाएंगे अगर हम शॉप बनाएंगे उसी लैंड पे हम बनाएंगे ठीक है तो सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्शन की वो क्या चाहिए लैंड उसके बाद में अदर अननेचुरल जो रिसोर्स जैसे वाटर है फॉरेस्ट है मिनरल्स है अगर कोई फैक्ट्री है ठीक है जो कारपेंटिंग का काम करती है या जो फर्नीचर बनाती है तो उसको फॉरेस्ट से क्या मिलेगी वुड मिलेगी अगर कोई कंपनी मेटल का, का काम करती है मेटल के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसे मिनरल्स और जो मेटल्स होंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वाटर तो आपको पता ही है सबकी नीड के लिए जो है कंपलसरी है चाहे आप कोई भी शॉप खोलिए आपको वाटर तो चाहिएगा आप कोई फैक्ट्री खोलिए तो भी वाटर सप्लाई आपको चाहिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई हमारे पास फ्रेंड स्टूडेंट्स लैंड सेकेंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क आपने एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल दी आपने मशीनरी लगा दी ठीक है आपने कहा सब काम ऑटोमेटिक होगा पर उस मशीन को ऑन करने के लिए तो एक आदमी चाहिएगा उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए तो एक आदमी चाहिएगा ठीक है उसकी देखभाल करने के लिए भी तो एक आपको आदमी चाहिए इसका मतलब हम कोई भी प्रोडक्शन करें कैसा भी प्रोडक्शन करें कैसे भी गुड्स की गुड्स का प्रोडक्शन करें कैसी भी सर्विस दे वहाँ पर लेबर तो हमें चाहिए ठीक है तो लेबर कंपलसरी एक दूसरा जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गया सेकेंड में कि हमें लेबर चाहिए लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो so सेकेंड हमारे पास हो गया लेबर द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल देखिए फिजिकल कैपिटल क्या है फिजिकल कैपिटल का मतलब है यहां पर कैपिटल का मतलब है यहां कैपिटल की मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी संपत्ति से हो सकता है ठीक है अब फिजिकल कैपिटल मतलब जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं ठीक है ठीके? फिजिकली देख सकते हैं और वो उसको छू सकते हैं वो फिज़िकल कैपिटल के अंदर आ जाता है तो फिजिकल कैपिटल मतलब आपके पास क्या क्या आ, जो है आ, संपत्ति है जिसके आप जिसके बेस पर आप क्या करना चाहते हो प्रोडक्शन करना चाहते हो इसमें भी दो टाइप होते हैं एक होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल एक होता है वर्किंग कैपिटल अब देखिए नाम से समझिए आप जो है जो मीनिंग है उसको देखिए फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड है ठीक है इसका मतलब अगर इसको एक बार परचेज कर लिया हमने तो इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे एग्जाम्पल में देखिए टूल्स मशीन्स बिल्डिंग ऐसा थोड़ी है कि आपने आज एक मशीन खरीदी आपने उसको एक दिन काम किया उसके ऊपर आपने प्रोडक्शन कर लिया आप कहोगे नहीं अब तो हम कल दूसरी खरीदेंगे नहीं ना उसी मशीन को जब तक वो खराब नहीं हो जाती नया या नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं आ जाती जब तक आप उसी मशीन को पर काम करेंगे ठीक है मशीन टूल्स बिल्डिंग ऐसा थोड़ी आप हर दिन बिल्डिंग चेंज करते रहेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए नहीं ना कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स देखिए यहां लिखा हुआ है ना मैनी ईयर्स तभी यहां पर वर्ड आया फिक्स कैपिटल ठीक है एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल इसलिए इसे क्या कहते हैं फिक्स कैपिटल कहते हैं क्योंकि ये एक बार परचेज करने के बाद फिक्स हो फिक्सड हो जाती है ये बार बार चेंज नहीं कर सकते हम वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में देखिए वर्किंग आई एन जी लगा हुआ है ना मतलब रहा है रही है हो रहा है हो रही है मतलब लगातार कुछ ना कुछ में क्या हो रहा है बदलाव हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे एग्ज़ाम्पल है रॉ मेटीरियल आपके प्रोडक्शन आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आपके बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो आप बिस्किट बनाने के लिए जो आप लेकर आए हैं सामान लेकर आए हैं आप शुगर लेकर आए हैं या आप कोई भी जेली लेकर आए हैं या कुछ भी आप लेकर आए हैं तो क्या एक बार यूज़ करने के बाद आप पर वापस उसे यूज़ कर पाएंगे नहीं आपने एक जो उसके साथ में जो प्रोडक्ट्स थे उससे सबको मिलाकर आपने अपने बिस्किट्स को बना लिया और उसको मार्केट में सेल कर दिया अब आपको वापस दूसरा स्लॉट बनाने के लिए वापस रॉ मटेरियल चाहिएगा तो इसका मतलब क्या है रनिंग है बार बार बदल रहा है इसके साथ साथ देखिए मनी इन हैंड मनी इन हैंड का सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ आपके आसपास कोई भी शॉप होगी छोटी मोटी कोई भी शॉप होगी आप वहाँ पे जाके नोट करना कि जब भी वो शॉपकीपर अपनी शॉप को ओपन करता है सुबह तो उसके पास जो उसके हाथ में कुछ ना कुछ मनी रहती है ठीक है जैसे हम कहते हैं खुले पैसे जैसे कि दस रुपये का नोट हो गया कुछ सिक्के हो गए दैट इज़ मनी इन हैंड ये वो क्यों रखता है अपने पास में वो इसलिए रखता है जैसे आपको कोई गुड्स परचेस करना है आप गए आपने कहा कितने रुपए का है उसने कहा नाइन्टी रुपीज़ का है आपने उसको हंड्रेड का दिया और उसने कहा मेरे पास तो जो है ही नहीं सर चेंज ही नहीं है तो आप वापस चले जाओगे तो अब उसको वो प्रोडक्ट बेचना है तो उसको हाथ में चेंज रखना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट के बदले जो प्रोडक्ट दे सके और आपको चेंज भी दे सके तो अपने पास वो कुछ पहले से ही चेंज रखता है ठीक है दस रुपये के नोट हो गए कुछ सिक्के हो गए ठीक है इसके साथ में अगर कोई कस्टमर आया उसे चाय पिलानी है उसको जूस पिलाना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए तो ये सारा जो पार्ट है वो प्रोडक्शन का ही हिस्सा है क्योंकि कस्टमर को चाय पिलाएगा जूस पिलाएगा तो उसकी भी सेल बढ़ेगी ठीक है तो मनी इन हैंड इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी शॉप होती है सपोज उसका कोई प्रोडक्ट आया है बाहर से उसने मंगाया था प्रोडक्ट को बाहर से मंगवाया था तो वो किसी टैक्सी में आया है किसी ट्रक में आया है तो उस ट्रक को वाले को उसको रेंट देना पड़ेगा ठीक है लोडिंग के लिए अनलोडिंग के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या चाहिए मनी इन हैंड और ये बार बार चाहिए ऐसा नहीं एक दिन चाहिए दूसरे दिन नहीं चाहिए तो इसलिए इसको कौन सी कैपिटल कहते हैं वर्किंग कैपिटल ठीक है अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देख लिया लैंड हो गए लेबर हो गया फिजिकल कैपिटल हो गया एंड ह्यूमन कैपिटल हो गया विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सभी फैक्टर्स है ये हमने जब जितने पढ़े ना हमने लैंड पढ़ा हमने लेबर पढ़ा हमने कैपिटल uh, पढ़ लिया फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पढ़ लिया ये सारी चीज़ें क्या है फैक्टर है इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है अब देखिए अब हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है कि प्रोडक्शन कैसे होता है ठीक है इसके बाद हम पढ़ते हैं पालमपुर के अंदर फार्मिंग इन पालमपुर पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है क्या वहाँ पर फार्मिंग का जो है स्टेटस क्या है वहाँ पर कंडीशन क्या है कैसे लोग वहाँ पर फार्मिंग करते हैं कितनी बड़ी बड़ी उनके पास लैंड है ठीक है क्या उनके लैंड की साइज़ है वो उस लैंड से कितना ईल्ड करते हैं मतलब कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं लैंड इज फिक्स्ड लैंड फिक्स्ड है अगर आप कहीं जाते हैं तो अगर आपको बताता है कि सर ये मेरा जो है ये मेरी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की एक लिमिट बताता है कि सर ये मेरी प्रॉपर्टी की साइज है आप किसी गांव में जाते हो तो आप अच्छा ये गांव कितना बड़ा है तो कोई बताएगा क्या ये उस पेड़ तक या उस पहाड़ तक है जो इस गांव की जो लिमिट है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं सबसे पहली बात जो है लैंड इज फिक्स्ड आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते ठीक है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देर लाइवलीहुड मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन पालमपुर के जो लोग हैं उनमें से सेवेंटी फाइव परसेंट जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है अपना जीवन यापन करने के लिए मतलब अपनी जो अर्निंग के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अब वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं फार्मर्स मतलब उनके खुद के लैंड हो सकते हैं वो खुद के लैंड के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं या उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड हो सकते हैं तो उस लैंड पर काम करने के लिए वो लेबर को रखते हैं तो दोनों तरीके के लोग हैं फार्मर्स भी है जो अपने ही लैंड पर उनके पास लैंड है उस पर फार्मिंग करते हैं कुछ लैंड लेस है तो वो दूसरे लोगों के पास जो दूसरे लोगों के लैंड है जो दूसरे बड़े फार्मर हैं उनके लैंड पर जाकर काम करते हैं द वेलिंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म इनका वेलबींग मतलब इनका जो जीवन है इनकी जो लाइफ है उसमें कुछ भी हो रहा है मतलब जो चल रही है इनकी जो लाइफ चल रही है उनके जो भी भला हो रहा है जो उनको मिल रहा है अर्निंग मिल रही है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑन द फार्म मतलब फार्म में जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उनको अर्निंग ही उतनी ज्यादा मिलेगी सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही पालमपुर की फॉर एग्जाम्पल ये गांव इतना बड़ा था पहले सिर्फ इस एरिया में फार्मिंग होती थी ये वाला जो लैंड था वो वेस्ट लैंड था यहां पर किस तरह की फार्मिंग नहीं होती थी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गया और पॉपुलेशन बढ़ी तो इस लैंड पर भी लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी अब प्रेजेंट में ये स्थिति है कंडीशन है कि भाई यहां तक का एरिया जो है वो पूरा फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है तभी तो बोला है लैंड इज फिक्स्ड अब इसके आगे अगर पहाड़ है या नदी है तो आप इस लैंड को आगे थोड़ी स्ट्रेच कर सकते हो लैंड तो वहीं खत्म हो गया देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन अब उन्होंने अपने गाँव में जितना लैंड हो सकता था कल्टिवेशन कल्टिवेबल लैंड में बदलने के लिए इतना लैंड उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है ज़्यादा स्कोप नहीं है कि लैंड को हम क्या कर सके वो जो पालमपुर के लोग हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेच कर सके देर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन वन हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द वन साइड मेजरमेंट ऑफ हंड्रेड मीटर देखिए इस यहाँ पर जो लैंड डिस्क्राइब किया हुआ है वो वन हेक्टेयर में है वन हेक्टेयर एक यूनिट होती है मैथमेटिक्स में ठीक है जो मेजर uh, करने के काम आती है लैंड को देखिए ये एक इमेज बता रखी है ये लैंड के लिए इसमें कर रखा है इसने तो अब करें क्या अब अगर लैंड को हम नहीं कर सकते इंक्रीज तो क्या कर सकते हैं ठीक है इस देर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड अब हम लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकते पर क्या उसी लैंड पे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं देखिए

रबी और इन दोनों के बीच में एक और सीजन होता है जिसे जायद कहते हैं मतलब ये तीनों सीजन में उगाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं ये खरीफ में भी करते हैं ठीक है और रबी में भी करते हैं और जायद में भी करते हैं देखिए दीज प्लांट्स आर यूज इन cattle फील्ड जब वो खरीफ में करते हैं तो खरीफ के अंदर क्या करते हैं वो ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हैं या ऐसा प्रोडक्शन करते हैं जिससे जो जानवरों के खाने के लिए जो घास उगती है कैटल फीड के लिए वो उसमें खरीफ में ग्रो कर देते हैं उसके बाद जब दिसंबर और अक्टूबर का समय आता है जब खाली रहती है क्योंकि रबी को ग्रो करने से पहले कुछ समय मिल जाता है रेनी सीजन के बीच में तभी भी वो लैंड को जो है वो आइडल नहीं रखते वो क्या करते हैं वो पोटैटो ग्रो करते हैं लैंड को आइडल नहीं कर सकते प्रोडक्शन बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पर वो खरीफ सीजन में तो उन्होंने क्या कर दिया ऐसे कोई जो है कैटल फील्ड के लिए क्रॉप ग्रो कर दी जिससे वो कैटल फील्ड कैटल को फीड कर सके ठीक है उसके बाद रबी सीज़न से पहले जो मानसून वगैरह आता है उस समय वो पोटैटो ग्रो कर देते हैं उसके बाद हमारे पास रबी सीज़न आ जाता है ठीक है और जैसे ही रबी सीज़न आता है वो क्या कर देते हैं वीट को ग्रोन कर देते हैं इसका मतलब जो पूरा एक सर्कल है ट्वेल्व मंथ का उसमें एक समय भी ऐसा नहीं आता जब वो अपने फील्ड को क्या रखे आइडल रखे मतलब वहाँ पर कुछ ग्रो नहीं करें क्यों नहीं करें क्योंकि लैंड फिक्स हो चुका है लैंड को स्ट्रेच नहीं कर सकते पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उस लैंड का जितना ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके वो वो करना चाहते हैं केन इन इट्स रॉ फॉर्म एंड जैगरी सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन सापुरा कई ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में क्या है? करते हैं सुगर केन को ग्रो करते हैं सुगर केन से क्या बनाते हैं वो जैगरी जैगरी मतलब गुड ठीक है ये भी प्रोडक्शन हो गया पहले वो सुगर केन को ग्रो करते हैं फिर उसमें से सुगर केन में से जो होता है फ्लूड uh, होता है जो उसका रस होता है उसको बाहर निकालते हैं फिर उसमें से उसको जैगरी बनाते हैं गुड़ बनाते हैं और गुड़ बनाने के बाद कहाँ पर सोल्ड करते हैं शाहपुरा में शो कर आ, अपने सेल कर देते हैं ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं देखिए एक तरह से इमेज बता रखिए गाँव में कुछ इस तरह से दिखता होगा हाइपोथेटिकल है तो हम कैसे भी इमेज लगा सकते हैं कि ये गांव ऐसा दिखता होगा हम हाँ, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं लिए तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक के लिए आज हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़े इसके अंदर इसके साथ साथ हमने लैंड जो है उसके बारे में पढ़ा पालमपुर में लैंड कैसा है वहां के जो फार्मर्स है वो क्या क्या ग्रो करते हैं उन चीजों के बारे में पढ़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलोअुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैक एंड जिल अकेडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर For online courses related to school education from pre primary to senior secondary level, competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.